पनीर लबाबदार और बटर नान, साथ में रहेगा ब्रेड पिस्ता फ्यूजन, पूरी सब्जी, पूरी सब्जी जी, हलवा, मीठे में हलवा, हलवा, ये वेज जेल फ्राई जी। किचन की क्वीन हमेशा महिलाएं होती है, लेकिन किचन के किंग बनने के लिए भी पुरुष भी काफ़ी मेहनत करते हैं। और आज अग्रसेन सेवा समिति खुर्सीपार में ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें घर के पुरुष करछी बेलन संभाले हुए हैं और किचन की जिम्मेदारी आज उन्हें मिली है। जी हाँ, यहाँ पर एक अनोखा कॉम्पिटिशन हो रहा है, कपल केमिस्ट्री। पत्नियाँ आँखों में पट्टी बांध कर बैठी हैं, पर डायरेक्शन दे रही हैं और पति बना रहे हैं पसंदीदा भोजन। और यहाँ पर कंप्लीट करनी है उन्हें 90 मिनट में पूरी एक ऐसी थाली जिससे आपका पेट भर जाए। कॉम्पिटिशन लगातार ये दूसरा वर्ष है, पर यहाँ पर जो भाग लेने वालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती जा रही है और साल भर इंतजार होता है इस कॉम्पिटिशन का। और क्या क्या इस कॉम्पिटिशन में खास है, हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के जो इनके कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं प्रतियोगी से ही, और जानते हैं कि उनकी थाली में आज क्या खास है। भैया क्या खास है आपकी थाली में आज? हम बना रहे छत्तीसगढ़ी कुजीन, हम बना रहे हैं चावल की रोटी, पताल चटनी और खुरमी, जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस डिश है। ये हमारा खास है आज के लिए। घर में कुकिंग कब से कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए? घर पे कुकिंग तो हम लोग करते ही नहीं है, वो तो बीवी के डर से करना पड़ता है। तो देखिए भाई साहब, बीवी के डर से कर रहे हैं कुकिंग, लेकिन सिखा रही है मैडम, तो मैडम की आंखों में पट्टी बांधी, पर हम बात जरूर कर सकते हैं। मैडम किस तरीके से सिखा रही है आप सर को? सिर्फ बोल के और इशारों से, अभी तो आँख में पट्टी, तो इशारों से, तो इशारा समझ जाते होंगे पहले से बोल के। हाँ हाँ, बोल के मतलब। तो देखिए यहाँ पर बोल करके बता रहे हैं और हम अगली यहाँ टेबल है यहाँ पे आ चुके हैं, वो छत्तीसगढ़ी स्पेशल था यहाँ पे। और यहाँ पे भाई साहब आप क्या बना रहे हैं स्पेशल? मैं बना रहा हूँ पनीर लबाबदार और बटर नान, साथ में रहेगा ब्रेड पिस्ता फ्यूजन। इतनी सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? कहीं से सीखी नहीं है, बस वो बता रही है, तो जैसे जैसे बताते जा रही है वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं। प्रिपरेशन पहले से घर से काफ़ी करके आए होंगे? नहीं, मैं प्रिपरेशन क्या लगेगी इसमें, जैसा बन रहा है बस बनते जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हो अब यहाँ पे भी मैडम बैठी हुई है, इनका साथ है देने के लिए। किस तरीके से साथ दे रही हैं आप यहाँ पे? इंस्ट्रक्शंस दे करके, जो पूछ रहे हैं वो बता बता के कि कैसे क्या बनाना है। तो व्यंजन पहले से तय करके आए थे कि घर में आज क्या बनाना है यहाँ? हाँ, पहले से तय करके आए थे, मतलब पूरे आप लोगों ने गाइडेंस पूरा दे चुके हैं? हाँ, नहीं गाइडेंस नहीं दिया गया है, सामान बस इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन करके आए, गाइडेंस अभी यहाँ पे दिया जा रहा है कि कैसे बनाना है। तो कभी किचन में हाथ बटाते हैं? नहीं नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हिस्सा ले रहे हैं? सेकेंड टाइम है, लास्ट टाइम भी लिए थे पार्टिसिपेट। तो लास्ट टाइम भाग लिए थे, तो दोबारा भी कभी किचन में गए नहीं कि कॉम्पिटिशन के बाद में? नहीं जी हाँ, लास्ट टाइम भाई साहब ने भी हिस्सा लिया हुआ था। और यहाँ पर अंकल जी भी हैं, आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं? पूरी सब्जी, पूरी सब्जी जी, हलवा, मीठे में हलवा, हलवा मतलब और ट्रेडिशनल डिश है पूरी एकदम है जी, बिल्कुल एकदम पारंपरिक है भोजन। हाँ पूरे। और आपकी एज कितनी है? 64। देखिए 64 इयर्स में अंकल जी यहाँ पर बना रहे हैं खाना, और आंटी जी बैठी हुई है। आंटी जी, अंकल जी किचन में कभी हाथ बटाए हैं घर में? नहीं बटाया, कभी कभार 100 दिन में एक दिन बटा दे। तो आज यहाँ पे खाना बना रहे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आंटी जी भी बहुत खुश हैं अंकल जी, क्योंकि अब 64 साल अंकल की उम्र है, तो शादी के भी कई साल हो चुके हैं। तो आंटी जी कहना कि 100 दिन में एक बार, लेकिन आज वो एक दिन लगता है, 100 दिन का आज आ चुका है। और एक भाई साहब से और जुड़ रहे हैं, भैया क्या बना रहे हैं आपकी किचन में आज? क्या केसर वाली खीर और पूड़ी विथ कचौड़ी। अच्छा, कचौड़ी खास के मसाले। हाँ, पूड़ी का टेस्ट दोनों मिक्स रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। और आलू पनीर की सब्जी भंडारे वाली। तो ये कहाँ से सीखा आपने? मेरे को बचपन से शौक है खाना अच्छा, बनाने का। खाना बनाते हैं तो आपके लिए टफ नहीं है ये? तो मैडम का ज्यादा इंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं पड़ रही? नहीं नहीं, है ना तो अच्छा, मतलब आप यहाँ पे चुपचाप बैठी है? नहीं नहीं, मैं पूरा बताई हूँ, ऐसे थोड़ी बैठी हूँ। नहीं, वो तो बोल रहे कि वो बचपन से बना बोल रहे हैं। मतलब क्रेडिट आपको जाएगा अगर जीतेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी केमिस्ट्री है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और कुछ और हम लोग कपल से जुड़ते हैं यहाँ पर, आप ये देखिए यहाँ पर अग्रसेन महाराज जी का जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जयंती महोत्सव शुरू हो चुका है, अग्रसेन सेवा समिति खुशी पार में है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे भी पनीर जैसा कुछ बन रहा है, क्या बना रहे भैया? ये वेज जेल फ्राई जी। और नमकीन में क्या बनाया आपने? नमकीन में ये सब्जी में वेज जेल फ्राई जी, और रोटी में हमने चुरचुरी नान, और मीठे में चोको डिलाइट। तो ये कहाँ से सीखा सब्जी? कुछ नहीं, बस बीवी बता रही है। अच्छा, बीवी बता रही है, तो बीवी नंबर वन से भी हम जानते हैं
किस तरीके सिखाया भाई साहब को? पूरा कोई तरीके से नहीं सिखाया गया, बस अभी डायरेक्शन दिया जा रहा वो बना रहे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं घर में, कुछ ट्रायल नहीं। तो कभी डांटा नहीं कि कभी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना तो सीख लो घर में थोड़ा सा? नहीं नहीं, वो पहले से ही एक्सपीरियंस वाले हैं, मम्मा ने सिखा के रखा हुआ है। अच्छा, मम्मा ने सिखा के रखा है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है अब? हाँ टेंशन नहीं है, रेसिपी बट उनको मालूम नहीं है, मुझे रेसिपी बताने पड़ रही है, प्रोसेस उनको आता है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री की रेसिपी बता रही हैं और उनका प्रिपरेशन उनको पता है। और यहाँ पर भी कुछ खास बन रहा है, ये क्या बना रहे हैं जी? आज मैं बहुत बढ़िया ढाबा स्टाइल में पनीर की भुर्जी बना रहा हूँ, ऑल इन वन पराठा बना रहा हूँ जिसमें बच्चों के लिए चीज़, बड़ों के लिए पनीर और आलू का मसाला और साथ में धमाकेदार हल्दी और जीरा डाल के बढ़िया ऑल इन वन पराठा बनेगा। बिल्कुल, ये एकदम धमाकेदार जिस तरीके से आपने बताया कि पूरे परिवार की फेवरेट जो पराठा आपका बन रहा है। अरे एकदम, देखिए हम परिवार की ज़रूरत होती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो बड़ों को मीठा बहुत पसंद है तो हमने शाही टुकड़ा लाया है अपने मेनू में कि लोग खाएँ और लखनवी अंदाज में शाही टुकड़े का मज़ा लें। तो हमारी कोशिश है कि हम परिवार में सबको खुश रखें, सबको खुश रखें। ये कपल केमिस्ट्री है, कपल केमिस्ट्री है, सही बात है। लेकिन जब घर में वाइफ बनाती है खाना तो सबकी पसंद के अलग अलग व्यंजन बनते हैं, तब कैसा लगता है किचन में जब ज़्यादा टाइम बिताती है? ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं, मैंने पहली बार रियलाइज़ किया है कि वाइफ हमारे लिए बहुत मेहनत करती है और मैं उसके लिए बिल्कुल दिल से कदरदान हूँ इस चीज़ का। इस पर्टिकुलर इवेंट से मुझे समझ में आ गया उनकी मेहनत किस प्रकार की होती है। बिल्कुल, ये कपल केमिस्ट्री समझा रही है, समझा रही कि हमारे के पुरुष समझ आ रहा है उनको कि महिलाएं कितनी किचन में मेहनत करती। मैडम क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूँ मैं, आंखों में पट मेहनत कर रहे हैं, हाँ कुछ देख भी नहीं रहा है मुझे, बस ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, बेस्ट ऑफ लक। और ये आखिरी टेबल पे हम जा रहे हैं और आखिरी टेबल है यहाँ पर और मेहनत सब जगह हो रही है। आप क्या बना रहे हैं? हम बना रहे लच्छा पराठा, शाही टोस्ट और छोले की सब्जी। पहले ट्राई किया था कभी? नहीं सर, मैडम पहली बार ही है। पहली बार है और कंपटीशन में भी पहली बार आएंगे? जी मैडम पहली बार, कंपटीशन में पहली बार है। तो यहाँ पर कई जो है आपके हैं, खाने के कंपटीशन में पहली बार हूँ और भी कंपटीशन में आया हूँ। अच्छा, तो कैसा आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है? मैडम वो तो आप ही लोग बताओगे, मैं अब अच्छा बोलूँगा तो फंसूँगा, खराब बोलूँगा तो फंसूँगा। तो ये बीच की बात होगी, अच्छा बोलना भी मुसीबत है और बुरा बोलना भी मुसीबत है। तो हम लोग मैडम से ही जानेंगे, मैडम कैसी केमिस्ट्री है हस्बैंड के साथ में आपकी, खाना बहुत अच्छी मान रहे हैं? अभी तो मानना ही पड़ेगा। तो किचन में कभी हाथ बटाया था इन्होंने? नहीं, तो आज सीधे कॉम्पिटिशन में आ गए। पानी भी मीन्स पानी भी हम पिलाएंगे तो ही पीते, नहीं तो प्यासे रह जाते। देखिए यहाँ पे खुल रही है सबके किचन की पोल और घर की पोल कि पानी भी अगर वो हाथ से देंगे तब साहब पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर आज चकला बेलन और कढ़ाई करछी लेकर के यहाँ पे कॉम्पिटिशन में खड़े हैं। लेकिन इमेज जो बात है जीत हार की दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों की यहाँ पे इज्जत दांव पे लगी है कि किसकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये जो खुशी पार्क का अग्रसेन भवन है, लगातार यहाँ पर ये कपल केमिस्ट्री जो है सबसे रोचक प्रतियोगिता, और उसको देखने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और इस कपल केमिस्ट्री का जो ये कॉम्पिटिशन है इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आइए हम जानते हैं समाज के अध्यक्ष से। अग्रवाल सेवा समिति की ओर से महाराज जी की जयंती पे लगातार किस तरीके का मंच महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को मिल रहा है? यहाँ पे अग्रसेन जी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं जो कि बहुत प्रशंसनीय कार्यक्रम यहाँ पे होता है और महिलाएं बहुत उसके लिए परिश्रम करके कार्यक्रम तैयार करती हैं और कार्यक्रम की सब कोई बहुत प्रशंसा करते हैं। ये विगत 60 वर्षों से हम लोग कुर्सी पार में अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं। जब से ये भवन हमारा 5 साल से बना है अग्रसेन भवन, तब से हम लोग भवन में ही सब कार्यक्रम अग्रसेन जयंती के करते हैं और 15 तारीख को शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा अग्रसेन जी महाराज जी की निकालते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ का युवा मंच जो है पूरा सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेता है और सब विभिन्न आयोजनों में सब उनका पूरा सहयोग रहता है, उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम किया जाता है। अग्रवाल सेवा समिति का यह आयोजन है और हमारे साथ जुड़ रही है समिति की महिला टीम और अध्यक्ष से सीधे हम बात करते हैं। मैम किस तरीके से ये जो कपल केमिस्ट्री का जो कॉम्पिटिशन आपने डिज़ाइन किया था? ये हम लोगों ने पिछले वर्ष भी किया था,
और ये कंपटीशन हम अग्रवाल सेवा समिति, अग्रवाल महिला समिति, अग्रसेन युवा मंच तीनों मिलके हम कराते हैं। बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहता है और हस्बैंड बनाते हैं और वाइफ बैठ के बताती है। तो क्या लगता है कि इस तरीके के कंपटीशन से कितना उनके बीच में तालमेल सही बैठ रहा है? बहुत अच्छे से तालमेल बैठता है एकदम से, और पहले से घर में प्रैक्टिस भी चालू हो जाती है हस्बैंड लोग की। तो ये कैसा आइडिया कैसे आया था इस तरह के कंपटीशन का? बस ऐसे ही हम ही लोगों ने बैठ के बोला, जब हम हमेशा बनाते हैं तो कभी तो हमारे हस्बैंड लोग कोई बनाने का वो होना चाहिए ना, हम भी देखें हमारे हस्बैंड कितने टैलेंटेड हैं। तो बिल्कुल बात यहाँ पर टैलेंट की है और सही बात है। कुकिंग कंपटीशन की बात आती है तो महिलाएं हमेशा प्रतिभागी होती, पर यह पहली बार शहर में कह सकते हैं, या मुझे लगता है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन शायद ही कहीं देखने मिलते होंगे जहाँ पर पुरुष लाइव खाना बनाते हुए दिख रहे हों। और आप ये इस तरीके की रोचक खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल IBC24 मैदानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की अनोखी खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ IBC24 मैदानी में ही मिलेगी। और ये खबर आप देख रहे थे कोमल धनेसर के साथ भिलाई से।